देख रहे हैं नेचुरल ब्यूटी, और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बैला की मिनी पैंटी लाइनर्स का रिव्यू। ये काफ़ी अच्छे हैं एंड मैं इसका रिव्यू दूंगी, पर सबसे पहली चीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन क्लिक कर दीजिए, कमेंट में बताना वीडियो कैसा लगा, और लाइक करना मत भूलना और शेयर कर देना अपनी जितनी भी फीमेल फ्रेंड्स हैं सबको, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। तो ये हैं बेला के मिनी पैंटी लाइनर्स। सबसे पहले मैं बता देती हूँ पैंटी लाइनर्स होते क्या हैं। वैसे तो आजकल ये काफ़ी कॉमन हो गए, पर जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको बता दूं कि पैंटी लाइनर्स कुछ इस टाइप के होते हैं। इसमें ऐसी ओपनिंग है, यहाँ से ऐसे बाहर हो जाते हैं, इस टाइप के एक स्मॉल पैड की तरह होते हैं, एंड इनको ऐसे पीछे से जो स्टिकर होता है, जैसे हम पैड को पुट ऑन करते हैं ऐसे स्टिकर निकालते हैं, पैंटी पे पुट ऑन कर लेते हैं। इसको यूज़ कब करते हैं, कैसे करते हैं, मैं ये भी आपको बता देती हूँ। इसको तब यूज़ करते हैं जब आपको वाइड डिस्चार्ज हो रहा हो, या आप श्योर नहीं है कि आपके पीरियड्स आने वाले हैं, तब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड ये काफ़ी अच्छा है आपको, अगर यूरिन इनकॉन्शियंस है आप उसमें भी इसको यूज़ कर सकते हैं, एंड आफ्टर ऑल आप इसको एनी टाइम यूज़ कर सकते हैं। एंड आपको इसको चेंज कब करना होता है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो आप इसको आफ्टर 6-7 आवर्स आप चेंज कर सकते हैं। आपको अगर लगता है मुझे पहले ही चेंज करना है तो आप कर सकते हो, पर ज़्यादा देर आपको जैसे दिन दिन भर आपको उसको नहीं यूज़ करना है, दिन में एटलीस्ट 2-3 बार तो आप इसको चेंज कर ही लें, वो बेटर रहता है। तो इसमें 36 वाला मेरे पास बॉक्स है, बड़ा वाला भी आता है, पर ये जो मिनी में है ये 36 का ही बॉक्स आता है। बाकी बेला के और भी बहुत सारे पैंटी लाइनर्स आते हैं, पैड्स भी आते हैं, वो आप चेक इन कर सकते हैं। इसके फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं, तो ये एयर को यू नो आउट इनसाइड होने लेता है। सबसे पहली चीज़, अगर आप ये वाले पैंटी लाइनर को लगाते हैं तो बिल्कुल भी आपको नहीं लगता कि आपने कुछ भी लगाया है, एकदम नॉर्मल जैसे हम क्लोथिंग पहनते वैसे ही फील होता है, लगते ही नहीं कि आपने कुछ पुट ऑन किया है। जो सेकेंड चीज़ इसमें है वो है नो परफ्यूम, इसमें परफ्यूम नहीं, यानी कोई केमिकल्स नहीं है, ये डेलिकेट है। फिर ये लेटेक्स फ्री है, प्लस ये मिनी साइज़ का है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये वाले जो पहले के पैंटी लाइनर है एक्चुअली कॉटन के, इनको छूने में ही पता चलता है बहुत सॉफ्ट फील देते हैं एक्चुअली, और ये 100% कॉटन के हैं। इसमें बिल्कुल भी जेल टेक्नोलॉजी नहीं यूज़ की गई है, जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, ये काफ़ी अच्छे हैं। एंड इस तरीके से ये पैक हुए होके आए थे, इसको आपको से खोलना होता है, अंदर ये लाइनर्स होते हैं, काफ़ी कम हो चुके हैं क्योंकि आई हैव यूज दैम, इसलिए कम हो चुके हैं। आफ्टर ऑल ये काफ़ी अच्छा ब्रांड है। इसकी कॉस्ट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जो आपको पता है पहले के जो पैंटी लाइनर्स होते हैं ना, वो काफ़ी कम कॉस्ट के आते हैं, जैसे 85 रुपीज़ में आपको 36 लाइनर मिलते हैं। अगर आप किसी और ब्रांड के लोगे तो आप कितने सस्ते में नहीं मिलेंगे, सस्ते इसका मतलब ये नहीं अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छा है ये। एंड इसमें यहाँ पे वेरिएंट भी दिए, जैसे बैलर के ना और भी लाइनर्स आते हैं, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि वो किस टाइप के होते हैं। जैसे मैं अभी जो मैं आपको दिखा रही हूँ मिनी वाला, यानी ये छोटा है। फिर एक और आता है सॉफ्ट वाला, वो इससे बड़ा होता है, 162 mm का। एक और आते हैं न्यू वाला, वो 162 mm का होता है, और क्लासिक वाला 165 mm का होता है, नहीं तो लॉन्गेस्ट होता है क्लासिक वाला, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। प्लस ये एक अच्छी खासी बॉक्स में आता है, यानी अगर आपको कहीं ट्रैवल करना है या कुछ, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप पेंटी लाइनर्स को डेली में यूज़ कर सकते हैं, ये काफ़ी अच्छे होते हैं। एंड यू नो ये वाले तो स्पेशली बहुत अच्छे हैं, मुझे पसंद आए। आपको इसको आप बोलोगे लेना कहाँ से है, तो वैसे तो ये आजकल बहुत सारे शॉपिंग मॉल्स में मिल रहे हैं, मेडिकल शॉप में भी हो सकता है मिल जाए। मैंने मेडिकल शॉप से नहीं लिया, तो मैं श्योर नहीं हूँ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। बाकी शॉपिंग जोन एंड शॉपिंग स्टोर्स में तो ये मिल रहे हैं, एंड ऑनलाइन तो ये बहुत इजीली मिल जाएंगे। मैंने उसको ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से बुलाया था, आप किसी वेबसाइट से इसको बुला सकते हैं। सो ये मेरा आज का रिव्यू था, एंड अगर आपको और कोई क्वेश्चन है पेंटी लाइनर से रिलेटेड या ये वाले पेंटी लाइनर से रिलेटेड, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर दे दूँगी। एंड अब हम मिलने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबसे पहली चीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन क्लिक कर दो, वीडियो लाइक करना मत भूलना, कमेंट में बताना कैसा लगा, प्लीज़ नेगेटिव कमेंट्स मत करना, एंड आप लोग सब्सक्राइब कर दो, पता है सपोर्ट मिलता है, तो सब्सक्राइब कर दो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। एंड अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।